हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम वाव मैथ का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम डाटा हैंडलिंग है की एक्सरसाइज 14.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ विजिटर्स टू द नेशनल लाइब्रेरी ऑन ए संडे इवनिंग। क्वेश्चन में कहा गया है नीचे एक बार ग्राफ दिया गया है जो नेशनल लाइब्रेरी में संडे इवनिंग को विजिट करने वाले विजिटर्स को दिखाता है, जिसमें बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, मैन हैं और वोमेन हैं। इस बार ग्राफ को ध्यान से स्टडी करना है और दिए गए ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। फर्स्ट का ए पार्ट, डैश मैन विजिटेड द लाइब्रेरी, मीन्स कितने मैन ने लाइब्रेरी को विजिट किया। तो मैन कहां है, मैन है यहां पर। इसको यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया लाइन 50, यहां पर लिखा है नंबर ऑफ विजिटर्स और यहां टाइप्स ऑफ विजिटर। तो टाइप्स ऑफ विजिटर में कौन कौन है, बॉयज है, गर्ल्स है, मैन है, वोमेन है। तो मैन हो गए आपके 50 मैन विजिट द लाइब्रेरी। नेक्स्ट इज बी, बॉयज विजिटेड द लाइब्रेरी, कितने बॉयज ने लाइब्रेरी को विजिट किया। बॉयज हैं आपके, ग्राफ को देखेंगे ध्यान से, और ये हो गया 40, तो 40 बॉयज ने लाइब्रेरी को विजिट किया। थर्ड इज सी, डैश मोर वोमेन विजिटेड द लाइब्रेरी देन मैन। इसमें पूछा गया है कि मैन से ज्यादा कितनी वोमेन ने लाइब्रेरी को विजिट किया। तो यहां पर मैन ने किया था 50 और वोमेन ने किया है 90। तो यहां पर 90 में से हम 50 को माइनस कर देंगे तो कितनी ज्यादा वोमेन ने विजिट किया है, 40 वोमेन। तो 40 मोर वोमेन विजिटेड द लाइब्रेरी देन मैन। नेक्स्ट इज डी, द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स वाज। डी में पूछा गया है कि टोटल विजिटर्स थे कितने। तो सभी विजिटर्स को हम ऐड कर लेते हैं, बॉयज थे 40 प्लस, गर्ल्स थी 45। गर्ल्स को यदि हम ध्यान से देखें तो ये 40 और 50 के बीच में है, 40 और 50 के बीच में, तो कितना आएगा 45। मैन है आपके 50 को ऐड करते हैं और वोमेन है 90 को ऐड करते हैं। जब हम इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 225, विजिटर्स थे 225। नेक्स्ट इज ई, मोर गर्ल्स विजिटेड द लाइब्रेरी देन बॉयज। ई में पूछा गया है कि बॉयज से कितनी ज्यादा गर्ल्स ने लाइब्रेरी को विजिट किया। तो यहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों को देखेंगे, बॉयज थे 40 और गर्ल्स थी 45। तो 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो 5 ज्यादा गर्ल्स ने विजिट किया कंपेयर टू बॉयज। एफ, डैश चिल्ड्रन विजिटेड द लाइब्रेरी, कितने बच्चों ने इसको विजिट किया। तो बच्चों में कौन आएगा, बॉयज आएंगे और गर्ल्स आएंगे, इन दोनों क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो बॉयज हैं इसमें 40 प्लस, गर्ल्स हैं इसमें 45। दोनों नंबर्स को यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 85। टोटल बच्चे कितने हो गए, 85। नेक्स्ट एंड लास्ट जी, डैश एडल्ट
विजिटेड द लाइब्रेरी, कितने एडल्ट्स थे जिन्होंने लाइब्रेरी को विजिट किया। इसमें आएंगे आपके मैन और वोमेन, इन दोनों के नंबर्स को हम ऐड करेंगे। मैन है आपके 50 और वोमेन है 90। 50 प्लस 90 को हमने ऐड किया तो टोटल एडल्ट्स हो गए 140। 140 एडल्ट्स विजिटेड द लाइब्रेरी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट्स आर शोन इन द फॉलोइंग बार ग्राफ गिवन बिलो। क्वेश्चन में कहा गया है, नीचे एक बार ग्राफ दिया गया है जो 4 स्टूडेंट के मार्क्स को डिस्प्ले करता है। 4 स्टूडेंट हैं रीता, ग्रीश, मोना और सोनिया। इन चारों स्टूडेंट के मार्क्स को यह बार ग्राफ डिस्प्ले करता है। अब इस बार ग्राफ को हमें ध्यान से स्टडी करना है और दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट इज डैश स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। इनमें से किसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा बार किसका है, सोनिया का। तो सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं सोनिया ने, तो यहां पर नेम आएगा सोनिया। नेक्स्ट इज डैश स्कोर द लोएस्ट मार्क्स। सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, तो सबसे कम मार्क्स आए हैं रीता के, जिसके हैं 15 मार्क्स। नेक्स्ट इज ग्रीस स्कोर डैश मोर मार्क्स देन रीता। ग्रीस ने कितने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं रीता से, तो रीता ने स्कोर किए 15 और ग्रीस ने स्कोर किए 35। तो यहां पर हम 35 में से 15 को माइनस कर देंगे तो ये आ गए 20 मार्क्स। 20 मोर मार्क्स ग्रीस ने स्कोर किए हैं। नेक्स्ट इज मोना एंड सोनिया टूगेदर स्कोर मार्क्स। मोना और सोनिया ने दोनों ने मिलकर कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो दोनों के मार्क्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मोना ने किए हैं आपके 25 और सोनिया ने किए हैं 45। 25 और 45 को यदि हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5 और 5 10 का 0 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 कैरी का 70। दोनों ने मिलकर 70 मार्क्स स्कोर किए हैं। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।